हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एलपी स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में मध्य प्रदेश के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन है होशंगाबाद, सिवनी, सीधी, डिंडौरी। इसका सही आंसर है डिंडौरी। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? मंडला, शहडोल, खरगोन, इंदौर। इसका सही आंसर है इंदौर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है? माधव, कान्हा किसली, माधवगढ़, संजय। आंसर है कान्हा किसली। अगला क्वेश्चन है, जहाज महल कहाँ स्थित है? असीरगढ़ में, मांडवगढ़ में, ग्वालियर में, पचमढ़ी में। इसका सही आंसर है मांडवगढ़ में। अगला है, मध्य प्रदेश में इकबाल सम्मान किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? सांप्रदायिक सद्भाव, रचनात्मक उर्दू लेखन, राष्ट्रीय एकता, शौर्य। इसका सही आंसर है रचनात्मक उर्दू लेखन। अगला है, मध्य प्रदेश के निम्न पर्यटन स्थलों में से कौन सा अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? मैहर, भेड़ाघाट, खजुराहो, मांडवगढ़। इसका सही आंसर है खजुराहो। अगला है, मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा। इसका सही आंसर है हरदा। अगला है, निम्न साहित्यकारों में से कौन मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तारा जोशी, धर्मवीर भारती, हरिशंकर परसाई, प्रभाकर माचवे। इसका सही आंसर है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। अगला है, निम्न में से कौन सार्वजनिक प्रतिष्ठान नहीं है? ग्वालियर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जबलपुर एक्लाइट फैक्ट्री नीमच, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भोपाल लेदर फैक्ट्री। इसका सही आंसर है भोपाल लेदर फैक्ट्री। अगला है, कौन नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? माड़िया, कोरकू, मुड़िया, बैगा दंडामी। इसका सही आंसर है मुड़िया। अगला है, मध्य प्रदेश इको विकास बोर्ड का गठन कब हुआ? 17 मई 2005, 18 जुलाई 2005, 12 जुलाई 2005, 17 जुलाई 2006। इसका सही आंसर है 12 जुलाई 2005। अगला है, मध्य प्रदेश झील संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 26 मई 2001, 26 मई 2002, 26 मई 2003, 26 मई 2004। इसका सही आंसर है 26 मई 2004। अगला है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश में किस जिले में हुआ? भोपाल, जबलपुर, खजुराहो, इंदौर। इसका सही आंसर है इंदौर। इस वीडियो में हमने कुछ करंट अफेयर्स भी कवर किए हैं। अगला है, मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाली G20 की थीम क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, सबका साथ सबका विकास, नेचुरल इंडिया, वन ग्रोथ। इसका सही आंसर है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अगला है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की मेजबानी किस राज्य में संपन्न हुई? महाराष्ट्र, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार द्वारा किल कोरोना अभियान की शुरुआत की गई? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। अगला है, साहित्यिक प्रति सम्मान पुरस्कार में कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है? 1 लाख, 2 लाख, 50 हजार, 51 हजार। इसका सही आंसर है 1 लाख। अगला है, सुकन्या समृद्धि योजना में 23 लाख खाते खोलकर मध्य प्रदेश किस स्थान पर है? पहले, चौथे, छठे, आठवें। का सही आंसर है पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 31 अगस्त का दिन किस रूप में मनाया जाएगा? किसान सम्मान दिवस, चिकित्सा दिवस, विमुक्ति दिवस, कृषि दिवस। इसका सही आंसर है विमुक्ति दिवस। अगला है, पवित्र नगर किसे घोषित किया गया है? महेश्वर, पचमढ़ी, खजुराहो, मैहर। इसका आंसर है खजुराहो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।